हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। दोस्तों, आप सबका मेरे पिछले वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एमसीए का जो जनरल सर्कुलर आया हुआ है, विच इज़ सर्कुलर नंबर 22/2020। दोस्तों, ये सर्कुलर जो है 15 जून को आया हुआ है, जिसमें क्लैरिफिकेशन किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन बाय कंपनी, ये COVID-19 के सिनेरियो में। दोस्तों, ये सर्कुलर जो है, इससे पहले दो सर्कुलर के साथ में कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। एक सर्कुलर आया था सर्कुलर नंबर 14/2020, जो कि 8 अप्रैल 2020 को आया था, और एक सर्कुलर आया था 17/2020, जो कि 13 अप्रैल 2020 को आया हुआ था, जो कि क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा था। इस सर्कुलर में ये बात किया गया था कि कंपनी जो है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन जो है पास कर सकता है बाय होल्डिंग EGM थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर ऑडियो विजुअल मींस, या फिर जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू से भी पास कर सकता है रेजोल्यूशन विदाउट कन्वेनिंग अ जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे जो डेट था वो अप टू 30 जून 2020 तक का वैलिडिटी था, और टिल फर्दर एक्सटेंशन जो भी मिनिस्ट्री के तरफ से आना है, तो वो एक्सटेंशन अभी मिनिस्ट्री ने अलाउ कर दिया है, क्योंकि कुछ वेरियस रिप्रेजेंटेशन जो है मिनिस्ट्री को मिले, और अब ये डेट बढ़ा के जो है 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है कंपनी EGM जो है अपना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, या फिर स्पेशल आइटम जो भी है ट्रांजैक्ट करना चाहता है थ्रू पोस्टल बैलेट, उसके थ्रू से रेजोल्यूशन पास कर सकता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सर्कुलर समझने में आसानी हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।